यीशु मसीह के मधुर नाम में एक बार फिर से आप सबका स्वागत है। और हमारे जीवन का एक महत्वपूर्ण हिस्सा जिसके द्वारा हमें जीवन मिला, हमारे प्रभु यीशु मसीह के वे शब्द जो क्रूस पर उसने कहे। और गुड फ्राइडे का यदि समय काल देखें तो गतसमनी से गोलगथा तक का समय, गतसमनी में प्रभु यीशु मसीह को रात में करीब 12 बजे के बाद करीब जो है पकड़ा था, और 12 बजे के बाद में इसीलिए चेलों को नींद आ रही थी और वे सो गए थे। प्रभु को पकड़ के रात ही में जो है महायाजक के जो है उस स्थान में ले गए, वहां रात भर मारा पीटी करते रहे, उन्होंने दोषी ठहरा दिया। और यह कि इस दोष का जो कारण है वो मृत्यु दंड है। और सुबह अर्ली मॉर्निंग जो है वे प्रभु यीशु मसीह को पिलातुस के पास ले आए। करीब 6 बजे के करीब ऐसा आर्कियोलॉजिस्ट बोलते हैं। और फिर पिलातुस ने 6 से 7 के बीच में वो समय रहा होगा, और प्रभु को फिर पिलातुस ने हेरोदेस के यहां भेजा, और हेरोदेस ने उसका मजाक उड़ा के फिर उसे वापिस जो है पिलातुस के पास भेजा, और तब पिलातुस ने उसे कोड़े मारने की आज्ञा दी। इस अवस्था तक करीब 1 घंटा और लगा, 8:30 बज गई, और करीब 8:30 से 9 बजे के बीच में प्रभु अपना क्रूस उठाए हुए वो गोलगथा तक पहुंचे। और करीब बोलते 9 बजे प्रभु यीशु मसीह को क्रूस पे चढ़ा दिया गया, और 12 बजे तक जो है प्रभु कष्टों के साथ में, और 12 बजे अंधकार छा गया, और प्रभु करीब 3 बजे तक सुबह 9 से दोपहर 3 बजे तक जो है क्रूस पे टंगे रहे। 6 घंटे का समय वो क्रूस पे, और इस 6 घंटे के दौरान जो है प्रभु ने जो है वो अपनी सारी ताकत लगाई। मेडिकली जो आदमी क्रूस पे लटका रहता है उसकी मृत्यु काहे से होती है? रेस्पिरेटरी फेलियर से होती है। उसके हाथ और पांव ऐसे लटके और बंधे रहते हैं कि वो सांस नहीं लेने पाता है, और धीरे 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 वो सांस उखड़ती जाती है। और प्रभु को इतना मारा गया था कि करीब 2 लीटर करीब 5 बोतल उसका खून निकल गया था, 2 लीटर से ज्यादा उसका खून निकल गया। पूरी रात वो मारते रहे, सुबह मारा, और प्रभु कष्टों के साथ वो क्रूस पर। और वैज्ञानिक लोग इस बात में लगे हैं, एक बार जो हम शब्द कह देते हैं उसकी वेव्स एयर में प्रेजेंट रहती है, वो वेव को पकड़ने में लगे हुए हैं कि वो शब्द जो प्रभु ने क्रूस से कहे वे कहीं ना कहीं मौजूद है इस संसार में, जो शब्द प्रभु यीशु मसीह ने कहे, और वो शब्द पकड़ेंगे तो हो सकता है आपके मोबाइलों की इनकमिंग आउटगोइंग ये वो प्रभु के ओरिजिनल शब्द रहे। और 3 बजे के लगभग प्रभु ने अपने प्राण त्यागे, और संध्या होते होते सूरज ढलने के पहले 6-7 बजे के पहले
उसके लोथ को उतारा गया और कब्र में रख दिया गया, क्योंकि सूर्यास्त के बाद नेक्स्ट डे आरंभ हो जाता था इजरायलियों का और नेक्स्ट डे सबत का दिन था। इसलिए कोशिश ये थी कि जल्दी से प्रभु के देह को जो है वो कब्र में रखा जाए, और सप्ताह के पहले दिन सबत जो है सप्ताह का अंतिम दिन, और लिखा है बाइबल में सप्ताह का पहला दिन, पहला दिन सबत आखिरी दिन और सप्ताह का पहला दिन अर्ली मॉर्निंग प्रभु ने अपने दर्शन दिए, वो जी उठे। और जो महत्वपूर्ण शब्द कष्टों के साथ कहे गए, वे शब्द जो है कि प्रभु इन्हें माफ करो, इन्हें माफ करो। ऐसा बोलते हैं कि 167 जो मैंने बोला 165 से ज्यादा मांसपेशियां एक शब्द को कहने में प्रभु ने सारी ताकत लगाई। पहला शब्द उच्चारा कि प्रभु पिता इन्हें माफ, और उसकी इस बात को सुनकर के जो दोनों डाकू थे उनमें से एक चिल्ला पड़ा, प्रभु मेरे अपराधों को क्षमा करना, जब तू अपने राज्य में आए तो मेरी भी सुधि लेना। प्रभु ने कहा आज ही तू मेरे साथ स्वर्ग लोक में होगा। अपनी माता को देखा और कहा देख माता तेरा ये बेटा, और चेला जो उनके पास था उनकी माँ के पास खड़ा हुआ था यूहन्ना, उसको कहा देख तेरी एली एली लमा सबक्तनी, अर्थात हे मेरे परमेश्वर, हे मेरे परमेश्वर तूने मुझे क्यों छोड़ी, क्यों छोड़ी। जब सारी दुनिया के पाप प्रभु यीशु मसीह पर आ गए, लाद्य गए, वो हमारे लिए पाप बन गया, पाप बन गया, और पाप से पिता ने दूरी बना ली, और प्रभु यीशु मसीह कह उठे लमा लमा सबक्तनी। अभी तक पिता शब्द उच्चारा जा रहा था, इस वाणी में जब दूरी हो गई तो उन्होंने शब्द उच्चारा परमेश्वर, परमेश्वर, हे मेरे परमेश्वर, हे मेरे परमेश्वर। फिर पांचवी वाणी में प्रभु जो रात से उनको मारे जा रहे थे लोग, महायाजक के यहां पर करीब करीब 1,500 से 2,000 तक सिपाही थे और एक अकेले आदमी को मार रहे थे, और उसकी बेइज्जती, इतना लात घुसे उसको, प्यार से नहीं, उसके कोई बाल खींच रहा था, कोई उसकी दाढ़ी खींच रहा था, कोई उसको मुंह पे थूक रहा था, कोई मार रहा था, कोई लात मार रहा था, कोई घूसे मार रहा था, कोई थप्पड़ मार रहा था, जो जिसके 1,500 लोगों में एक व्यक्ति। और सुबह फिर से कोड़ों की मार, जो कोड़े थे वो मांस खींच करके ले आते, मछली के हुक जैसे वे कोड़े थे, एक बार घुसते अंदर तो बगैर मांस के बाहर नहीं आते। और जो टर्मिनोलॉजी यूज करी थी, मालूम करा कि जो कोड़ों की मार थी वो फेफड़ों के अंदर तक पहुंच गई, और फेफड़ों के अंदर इसीलिए खून रिस गया। और आपको मालूम है जब खून जम जाता है तो उसका सॉलिड पार्ट अलग और उसका लिक्विड पार्ट अलग, ऐसे दो पार्ट होते हैं। प्रभु यीशु मरे कि नहीं मरे, जब उनकी छाती में भाला भोका गया तो लहू और पानी निकला, साधारण लोगों के लिए पानी था, मेडिकली वो सीरम था, जो पानी जैसा दिख रहा था, जो पानी जैसा दिख रहा, क्योंकि कोड़े लंग तक पहुंच गए, लंग तक पसीना जो है आ रहा है भरी दोपहर,
उसका जो उसमें नमक है उन घावों पे लगना, जलन जलन तकलीफ, इसलिए कि आप और मैं जीवन। उसके बाद उसने कहा मैं प्यासा, और फिर ये कि वचन की बात पूरी हो, वचन की बात पूरी हो। उसने कहा पूरा। और टेलिस्टाई वो शब्द प्रभु यीशु मसीह ने उच्चारा, और उसके बाद कहा कि हे पिता, मैं अपनी आत्मा तेरे हाथ सुपुर्द कर। प्रभु यीशु मसीह ने कहा कोई मुझसे मेरा प्राण ले नहीं सकता, मैं स्वयं उसे देता हूं। सो ये वो सात वाणी शॉर्ट में मैंने बताया, हम इसको थोड़ा सा और विस्तार से देखेंगे। सो आए मेरे साथ अध्ययन पे चलिए। सो प्रभु यीशु मसीह ने जो कष्टों के साथ पहला शब्द कहा, और वैज्ञानिकों का ऐसा मानना है कि ये शब्द आज भी वातावरण में कहीं ना कहीं मौजूद है, और पहला शब्द उन्होंने जो संबोधन करा, अपनी आंखें प्रार्थना के रूप में ऊपर उठाई और कहा पिता, एक निवेदन किया कि इनके पाप क्षमा कर, क्योंकि ये नहीं जानते कि ये क्या कर रहे हैं। पिता इनके पाप क्षमा कर। अब देखिए पिता के पास ऑप्शन है, जो लोग पिता की ओर आएंगे उनके पाप क्षमा होंगे, जो लोग प्रभु यीशु मसीह के क्रूस की ओर देखेंगे उनके पाप क्षमा होंगे, और जो नहीं देखेंगे वो। और देखिए वहां दोनों प्रकार के लोग थे। पूरा मेजॉरिटी जो थी वे लोग थे जो शैतान के द्वारा कंट्रोल में थे, उसमें पढ़े लिखे लोग, महायाजक, शास्त्री, फरीसी, ओहदे वाले पिलातुस, हेरोदेस, पूरा जो समाज उसके विरुद्ध में, और सबकी एक कोशिश इसे मार डालो। और जब क्रूस पे चढ़ा दिया उनको लगा कि उनकी योजनाएं पूरी होगी, लेकिन प्रभु ने भी एक चीज कही, पिता के सामने ऑप्शन रखा कि बाप इनके पाप क्षमा कर। एक रिक्वेस्ट है, ऑर्डर नहीं है। और जो उसकी ओर देखेगा उसके पाप क्षमा होंगे। क्योंकि दूसरा ग्रुप वो था, थोड़े लोग थे, यहोन्ना था, माता थी उनकी, कुछ और बहनें थी जो वहां आई थी, कुछ लोग थे जो प्रभु के द्वारा जो है जिन्हें अनंत जीवन का अनुभव हुआ था। लेकिन मजेदार स्थिति, जो उसके दाएं बाएं बैठना मांगते थे, जो स्वर्ग के राज्य में बड़ा होना मांगते थे कि हम बड़े, वो सब भाग गए। प्रभु को बाहरी शारीरिक रीति से पीड़ाएं तो हो ही रही है, आंतरिक रीति से भी ये पीड़ा हो रही है कि कहां गए। और ये शब्द, ये ओरिजिनल शब्द ग्रीक भाषा में ये था पिता, ये क्या कर रहे हैं, इन्हें नहीं मालूम। और जो है प्रभु ने कहा कि इनके पाप क्षमा कर।
रिक्वेस्ट, जैसा मैंने बताया रिक्वेस्ट, और जो है जिन्होंने स्वीकार करा प्रभु को उन्हें तो अनंत जीवन मिला, और जिन्हें जिन्होंने इनकार किया उन्होंने अपने आप को अनंत नरक के लिए तैयार कर लिया। और इसका पहला ही वर्णन प्रकाशित वाक्य की पुस्तक का पहला अध्याय 60वीं आयत में लिखा है, हर एक आंख उसे देखेगी, हर एक आंख उसे देखेगी, हर घुटना उसके सामने झुकेगी, हर जीवान उसका अंगीकार करेगी कि वो ही प्रभु है। और जिन्होंने उसे बेदा था, जिन्होंने उसे, वहां लिखा है जिन्होंने उसे बेदा था, वे भी उसे देखेंगे और उस दिन छाती पीटेंगे कि हमसे ऐसी बड़ी गलती होगी, ऐसी बड़ी गलती होगी। सो दोस्तों, जो आज हम जिंदा हैं, हमारे सामने ये ऑप्शन है, हमारे सामने ये ऑप्शन है, क्या उस फॉरगिवनेस को ले ले। जैसे मैं एक उदाहरण देता हूं, सूर्य की रोशनी साधारण लोगों के लिए साधारण है, लेकिन असाधारण लोगों के लिए वो असाधारण है। कई लोग उसी रोशनी से फोटो इलेक्ट्रिक सेल बना करके यापन करते हैं। हवा कई लोगों के लिए हवा ही है, बहने वाली हवा, लेकिन कई लोगों के लिए उस हवा से पवन चक्की बना लेते हैं। कई लोगों के लिए बहता हुआ पानी पानी है, लेकिन कई लोग उस पानी को रोक करके बांध बना लेते हैं, उससे जो है इलेक्ट्रिसिटी पैदा करते हैं, मछलियों का उत्पादन, कृषि का विकास, ये सारी चीजें। देखें, प्रभु साधारण है उन लोगों के लिए जिनके लिए वो कुछ इंपॉर्टेंट नहीं रखते, लेकिन कईयों के लिए ये बहुत इंपॉर्टेंट है जो इस बात को समझते हैं। और प्रभु की इस माफी को जो उन्होंने स्वीकार करा कि प्रभु मेरे पापों को क्षमा कर, मेरे पापों को क्षमा कर, प्रभु की इस वाणी को के हे बाप इन्हें क्षमा कर, मेरे जीवन में मेरे अपराधों को माफ कर, मेरे अपराधों को माफ कर। जो ग्रीक शब्द था वो फादर, ये शब्द था उसका लिटरल मीनिंग पाटर, फादर, ग्रैंड फादर, ऑथर, पेरेंट, फोर फादर। दूसरा शब्द था फर्ग्यू, जो फर्ग्यू के लिए ओरिजिनल शब्द था एफीमी, एफीमी, टू लेट फॉर, टू सेंड अवे, गिव अप, हैंड ओवर, टू लेट लूज, टू गेट रिड ऑफ, टू लीव अलोन। और फिर अगला शब्द था उन्हें देम, ऑटस, 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 माई सेल्फ, योर सेल्फ, हिम सेल्फ, हर सेल्फ, इट सेल्फ, हिम, हर, और माफ। द सोल इज अपोज टू द बॉडी एंड ऑफ वन ओन, ये थे वो ओरिजिनल शब्दों के, क्योंकि ये नहीं जानते, जो शब्द था नहीं, नॉट, उसके लिए शब्द आया ओ, ओ, ये नहीं जानते, स्वर्ग को नहीं देखा, स्वर्ग दूतों के बारे में नहीं जानते, उस क्रिएशन के बारे में नहीं जानते, नहीं जानते, इसलिए इसलिए प्रभु फॉर कम्स फ्रॉम गॉड, इसलिए चूंकि नहीं जानते इसलिए इनके पापों को जो है नोन, नहीं जानते, नोन जानने के लिए जो शब्द आया है नोन, आयदा, आयदा, नहीं जान, ज्ञान नहीं, ज्ञान नहीं। और हर वो व्यक्ति जो प्रभु क्षमा चाहता है उन्हें माफ कर, उन्हें माफ कर।
डू प्रोड्यूस क्रिएट, प्रभु यीशु मसीह में ये शब्द उच्चारे कठिनाइयों के साथ, और वो शब्द आज भी इस वातावरण में मौजूद है और वैज्ञानिक उसको खोजने में लगे हुए हैं। और एक दिन ये शब्द, जैसा मैंने कहा, हमारे मोबाइलों के जो है इनकमिंग आउटगोइंग कॉल के ट्यून हो सकती है, जहां प्रभु कहते हैं पिता क्षमा, ये नहीं जानते कि क्या कर रहे हैं। प्रार्थना ऊपर देखे, प्रभु ने अपनी आंखें ऊपर की ओर लगाई, पिता 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 इन्हें क्षमा कर, और दया कर प्रभु, इनमें योग्यताएं नहीं है, अपनी दया कर प्रभु, हम में किसी में योग्यताएं नहीं है, हम यदि प्रभु के पास आ पाए तो प्रभु की दया से आ पाए, प्रभु की दया से आ पाए, प्रभु की दया से हम पर जो है पापों की क्षमा, हम में किसी में पृथ्वी के किसी भी व्यक्ति में ये योग्यता नहीं। और इसका हमको उदाहरण प्रकाशित वाक्य के 5वें अध्याय में देखने को मिलता है। स्वर्गदूत ने पूछा, कौन योग्य कि जो पिता सिंहासन पर बैठा है उसके हाथ से वो पुस्तक ले ले और उसके 7 मुहरें खोल दे। यूहन्ना बोलता है, न स्वर्ग में, न पृथ्वी पर, न पृथ्वी के नीचे, न चेले, न अब्राहम इसहाक अय्यूब, कोई भी नहीं, कोई भी नहीं। तो यूहन्ना रोने लगा, स्वर्गदूत ने कहा मत रो, मत रो, देख यहूदा का सिंह जो दाऊद का मूल है वह इस पुस्तक को लेने और इसकी मोहर तोड़ने के योग्य है। कोई योग्य है तो कौन, जिसे हम यीशु के नाम से जानते हैं, पिता क्षमा, पिता क्षमा। और ये वो सारे चीजें प्रभु ने कही, आज भी वो शब्द हमारे लिए जीवनदायक है। यदि पानी में रह करके प्यासे मर गए तो उससे बुरा निर्णय कोई नहीं। यदि क्षमा का शब्द होते हुए पापों में मर गए, इससे बुरा और कोई स्थिति नहीं। और प्रभु चाहता है कि हमारे पाप क्षमा, हमारे पाप क्षमा। क्या आप तैयार हैं प्रभु को ग्रहण करने के लिए कि प्रभु मेरे पापों को क्षमा करे? जो शब्द आपने ऊपर से उच्चारे वो मेरे लिए जीवन का कारण है। प्रभु अपने वचन पर आशीष दे। सो प्रभु की ये बात सुन करके जो दोनों डाकू थे उनमें से एक कह पड़ा कि प्रभु मैं मेरे कर्मों के कारण, मेरे पापों के कारण ये सजा भुगत रहा हूं, लेकिन आपने तो कोई पाप नहीं किया, इसलिए जब आपके राज्य में आए तब मेरे जीवन की विशुद्धि लेना। तो प्रभु ने जो दूसरा शब्द कहा, लुका रचित सुसमाचार उसका 23वां अध्याय 41वें आयत, कि आज ही तू मेरे साथ स्वर्ग लोक में। और दूसरा जो डाकू था उसने जो है ये कहा कि यदि तू परमेश्वर का पुत्र है तो मुझे और अपने आप को बचा। देखें, ये दुनिया के दो हिस्से हो, एक वो जो प्रभु को ग्रहण कर रहा है और एक वो जो प्रभु का इनकार कर रहा है। प्रथम आगमन पर दुनिया दो हिस्सों में बढ़ गई, एक वो जो प्रभु का इनकार कर रहे हैं और एक वो जो प्रभु को एक्सेप्ट कर रहे हैं। और चाहे हम इनकार करें चाहे हम एक्सेप्ट करें, प्रभु का पहला आगमन तो हुआ ही,
हुआ ही। और जैसा उसका पहला आगमन हुआ वैसे ही उसका दूसरा आगमन भी होगा, उसका दूसरा आगमन भी होगा। और दुनिया अभी भी दो भागों में बटी है, एक वो जो उसको ग्रहण कर रहा है और एक जो है इसका इनकार कर रहा है। और जो ग्रहण कर रहा जिसने ये कहा कि प्रभु मेरे अपराधों को क्षमा कर, मैं मेरे अपराधों की सजा भुगत रहा हूं और जब तू अपने राज्य में आए तो मेरी सुधि लेना, मेरी सुधि लेना। प्रभु ने कहा आज ही तू मेरे साथ स्वर्ग लोक में होगा। और प्रभु ने साइड में दोनों डाकू आपस में वार्तालाप कर जोर जोर से चिल्ला रहे और कह रहे, एक ने कहा कि जैसे हम तो अपने अपराधों के कारण अपनी सजा भुगत रहे हैं लेकिन इसने कोई पाप नहीं किया, इसने कोई पाप नहीं। तो दूसरे ने कहा कि मुझे और अपने आप को बचा, मुझे और अपने आप को बचा। मृत्यु दोनों की हुई, मृत्यु तो प्रभु की यीशु मसीह की भी संसारिक मृत्यु, लेकिन प्रभु ने क्या कहा आज ही तू मेरे साथ स्वर्ग लोक में होगा, आज ही तू मेरे साथ स्वर्ग लोक में होगा। देखें जो शब्द अंग्रेजी में आया है वो पैराडाइज यूज करा है, हेवन नहीं, हेवन नहीं। और लुका रचित सुसमाचार के 16वें अध्याय में भी प्रभु यीशु मसीह ने यही शब्द इस्तेमाल करा और कहा कि वो गरीब लाजर, भिखारी लाजर मर गया और इब्राहिम की गोद में स्वर्ग में पहुंचाया गया। और वो अमीर मरा, वो उसने अपनी आंखों को जो है उस मृत्यु लोक में, अधोलोक में उठा करके देखा और पहचान लिया, अरे ये तो लाजर है जो मेरे दरवाजे पे भीख मांगता। इब्राहिम को भी पहचान और कहा हे पिता इब्राहिम, उस लाजर को भेज कि अपने उंगली का सीरा पानी में डुबो करके मेरी जीभ को ठंडा कर दे, मैं इस ज्वाला में तड़प रहा हूं। इब्राहिम ने उससे कहा याद कर तेरा पृथ्वी का जीवन और लाजर का पृथ्वी का जीवन, अब वो यहां सुखी है और ये सुख एक दो दिन का, एक दो साल का, एक दो लाख साल का, एक दो करोड़ साल का नहीं, हमेशा हमेशा के लिए, अनंत काल के लिए वो यहां पर आनंद से। और तू पृथ्वी पे कितने दिन तूने अच्छे गुजारे, 100 साल, लेकिन 100 साल के बाद में अब अनंत काल कैसा है इस पीड़ा में। और तेरे और मेरे बीच में खाई है, कोई यहां से तेरे पास आना चाहे तो नहीं आ सकता और ना तेरे पास से कोई यहां आ सकता। तो उसने कहा इब्राहिम इसको भेज, लाजर को भेज। प्रभु ने कहा उनके पास पुस्तकें, भविष्यवक्ताओं की पुस्तकें, बाइबल है। उन्होंने बोला अरे बाइबल तो मेरे पास भी थी, मैंने कहां पढ़ी। उन्होंने बोला जब वो बाइबल की नहीं सुनते तो कोई मरे वो में से भी जिंदा चला जाए तो उसकी भी नहीं सुने। ये है प्रभु। और प्रभु ने कहा कि ये दुनिया दो हिस्सों में इस रीति से कि एक डाकू जो है पूरा गुस्से में, पूरा विरोध में, और प्रभु से भी उसने विरोध में रखा, लेकिन दूसरे ने अपने आप को नम्र करा, दूसरे ने अपने आप को नम्र करा और कहा कि हे प्रभु जब तू अपने राज्य में आए तो मेरी सुधि लेना, जब तू अपने राज्य में आए तो मेरी सुधि लेना, क्योंकि मैं जो कार्य कर रहा हूं उसके अनुसार दंड भुगत रहा। प्रभु ने तब कहा, प्रभु अपने चेहरे को
पहली वाणी में उसने ऊपर उठाया, दूसरी वाणी उसने दाएं बाएं और फिर कहा आज ही तू मेरे साथ स्वर्गलोक में होगा। और ये प्रभु की वाणी हम सब के लिए उदाहरण है। वे दो डाकू दुनिया का प्रतिनिधित्व कर रहे हैं और प्रभु की वाणी हमसे ये आशा दिलाती है कि पृथ्वी पे तुम्हारा जीवन कैसा भी हो, यदि तुम प्रभु पे भरोसा करोगे तो कभी भी पछताना नहीं पड़ेगा। और प्रभु ने ये वाणी कही कि आज ही तू मेरे साथ स्वर्ग लोक में होगा। आज ही, कल नहीं, परसों नहीं, आज ही। और एक ने उससे कहा था, प्रभु अपने आप को बचा, मुझे बचा, यदि तू परमेश्वर का पुत्र है। दूसरे ने कहा कि प्रभु मेरे अपराधों के कारण मैं भुगत रहा हूं, मेरे अपराधों के कारण, जब तू अपने राज्य में आए तो मेरी सुधि लेना। प्रभु ने कहा आज ही तू मेरे साथ स्वर्ग लोक में होगा, आज ही तू मेरे साथ स्वर्ग लोक में होगा। और देखें तीनों की मृत्यु, लेकिन उसके बाद अलग अलग रूट हो गए। प्रभु स्वर्ग के अधिकारी और अपने साथ इस डाकू को ले गया और दूसरा वो प्रभु से दूर चला गया। ये हमारा प्रतिनिधित्व करते हैं, ये दोनों डाकू दुनिया का प्रतिनिधित्व करते हैं। जो स्वीकार कर रहे हैं वे प्रभु के साथ उस अनंत जीवन, और जो इनकार कर रहे हैं वे प्रभु के विरुद्ध अलग अनंत मृत्यु के लिए। हमारी कैटेगरी जो है डिसाइड होती है कि हम क्या करें, स्वीकार करें या इनकार करें, स्वीकार करें या इनकार करें। और फिर से प्रभु चाहता है कि हम सेंस में रहे, उचित निर्णय ले पाए कि हमें अनंत जीवन कहाँ गुजारना है, प्रभु हम सबकी सहायता करें कि हम उचित निर्णय ले पाए। प्रभु अपने वचन पर आशीष दे। और प्रभु ने उसके बाद नीचे देखा अपनी माता को और उस चेलों को जो जिससे वो प्यार कर, उस माता का वो केयर कर रहा था। सब चेले भाग गए, लेकिन एक माँ के लिए बहुत कठिन। ऐसा बोलते हैं दुनिया में सबसे बड़ा दुख किसी माता के लिए या पिता के लिए तब होता है जब उनके जीते जी उनकी संतान मर जाए, उनके जीते जी उनके सामने उनके बच्चे मर जाए। और मरियम के लिए कठिन। और जब से प्रभु यीशु मसीह की सेवा आरंभ हुई लोग बोलते थे कि तेरा बेटा पागल हो गया, वो उसको लाती समझाती। और प्रभु भी कहते हैं कि मेरी माँ और मेरे भाई कौन है जो मेरा वचन सुनते और परमेश्वर के पीछे चलते। उसको समझ में आ गया, उसको मालूम था उसकी पैदाइश के पहले जिब्राइल का दर्शन, वो गरड़ियों की बात, वो ज्योतिषियों की बात, वो दर्शन के बाद भागते रहे, पालते रहे। और वहां समय आ गया जिसके एक दिन का बच्चा वहां से शुरुआत हुई तो यहां तक आ गया।
सो ये वो पृथ्वी की माता उसके लिए शारीरिक रीति से उसको मालूम था ये परमेश्वर का बेटा है, लेकिन संसार में लाने का अधिकार परमेश्वर ने इसे दिया था। एक दिन से वो पैदाइश से उसकी केयर कर रही, किसी माँ के लिए सबसे कठिन, और उसके सामने उसके बच्चे को क्रूस पे लटका दिया, सबसे दर्दनाक मृत्यु, अंदर से टूट गई, एक एक कांच का टुकड़ा जैसा टूट गया। लेकिन किसको बोले, किसको बोले, किसके सामने रो रो करके भी आंसू सूख गए, और प्रभु भी जानते थे, प्रभु उनके मन को जानते थे, इसलिए उसने चेले को उसको देखा जो अपनी मौत पर खड़ा था, उसने उसको मालूम था कि हो सकता है सिपाही लोग मुझे भी पकड़ लें और मारें, लेकिन उसने इस बात की परवाह नहीं की, वो चेला भी खड़ा था। तब प्रभु ने उस क्रूस से कहा, हे स्त्री, हे स्त्री, और जो है जब उसने ऐसा कहा, वही शब्द जो काना नगर में उस ब्याह के दिन जब उसकी मां ने उससे कहा कि उनका दाखरस घट गया है, तो उसने कहा कि हे स्त्री, हे स्त्री, उस दिन उसने ये नहीं कहा मां, क्रूस पर भी उसने ये नहीं कहा मां, उसने कहा हे स्त्री, हे स्त्री, देख तेरा ये पुत्र, देख तेरा ये पुत्र, और जो है उस चेले से कहा, देख तेरी ये माता। प्रभु ने ये बताया कि पृथ्वी पर अपने रिलेशनशिप जो है वो अंतिम समय तक बनते कोशिश मेंटेन कर, और इसीलिए प्रभु ने कहा जो क्रूस का पहला सीधी डंडी बताती है वो ये बताती कि पिता से अपने रिलेशनशिप सही कर ले, और आड़ी डंडी ये बताती है कि पृथ्वी पर अपने रिलेशनशिप पृथ्वी के लोगों से सही कर ले। और हम सब के लिए वो दसवीं आज्ञा, दस आज्ञाओं में से पांचवी आज्ञा, अपने माता पिता का आदर कर, आदर कर, और प्रभु अपनी मृत्यु तक इस बात को कहते रहे, देख स्त्री तेरा ये पुत्र, और देख ये तेरी माता। उस चेले से कहा, प्रभु पीड़ा में है और मां के लिए बहुत कठिन, बहुत कठिन, किन शब्दों से बयान करे, उसका बेटा उसके सामने जो इस सजा को भुगत रहा है। सो मां के पास जो भी संभव चीज थी वो अंत तक उसने जो है लगा के रखी, अंत तक लगा के रखी, अंदर से चकनाचूर हो गई। और एक और चीज जो स्कॉलर्स कहते हैं, प्रभु यीशु मसीह को नग्न अवस्था में जो है लटकाया गया ताकि सब लोगों को सामने उसकी इंसल्ट हो। इस मां के पास में कोई शब्द नहीं, कैसे
अपने बेटे की नग्नता को दूर करके खड़ी रही, खड़ी रही, उसकी मौत तक इंतजार करती रही, रात से भाग रही है, रात से भाग रही है, पूरी जिंदगी भर उसके पीछे पीछे पीछे। एक और मजेदार स्थिति, प्रभु यीशु मसीह का एक भी भाई बहन यहां नहीं है, सिर्फ उसकी माता है, माता है। सगे भाई बहन तथा कथित भाई बहन उनमें से एक भी नहीं आया, एक भी नहीं। प्रभु को दुख और दुख और दुख, जैसा मैंने बोला कि संसारिक दुख, शारीरिक दुख, इसलिए कि हम जीवन पाए और प्रभु हमसे आज भी जो है ये कहते हैं कि मरते दम तक हम अपने माता पिता के प्रति विश्वास योग्य रहे और बनते कोशिश आदर करें। और प्रभु ने ये इस तीसरी जो वाणी है, पहली वाणी में उन्होंने स्वर्ग की ओर देखा, अपने आत्मिक पिता को पुकारा, दूसरी वाणी में उन्होंने साइड में देखा, दोनों डाकुओं को जो बात हो रही थी वो, और तीसरी वाणी में उन्होंने अपने संसारिक माता को देखा, नीचे की ओर देखा। ये विनती कि हे स्त्री देख तेरा ये पुत्र, मैं तो जा रहा हूं। और किसी भी मां के लिए बहुत कठिन, जिसे शब्दों में बयान नहीं किया जा सकता। और प्रभु की माता भी जो है उनमें से एक संसारिक माता जो है वो इतनी महत्वपूर्ण कि जब तक दुनिया और स्वयं प्रभु यीशु मसीह जानते थे कि वे स्वर्ग से उतर गया, लेकिन मरियम को वो जरिया यूज करा। और इसीलिए आप देखेंगे कि प्रभु यीशु मसीह के पुनरुत्थान के बाद में जब चेले इकट्ठे हुए तो उनके साथ उनकी माता भी इकट्ठी हुई। प्रेरितों के काम का पहला ही अध्याय वहां जो है माता मरियम का भी जिक्र आया है कि वो भी उनके साथ, और उसको मालूम था कि जो क्रूस पे है वो कोई और नहीं, वो मेरा बेटा तो है लेकिन संसार के लिए है। देख तेरा ये पुत्र और देख ये तेरी माता। तीसरी महत्वपूर्ण वाणी जो प्रभु ने क्रूस से कही और हम सब के लिए एक लेसन, एक उदाहरण कि मृत्यु तक जो है वफादार, स्वर्गीय पिता के प्रति वफादार, संसारिक जीवन में अपने लोगों के प्रति वफादार। हे स्त्री देख तेरा यह पुत्र, और हे पुत्र देख तेरी ये माता। प्रभु इसके द्वारा यह बताना चाहते हैं कि हम अपने माता पिता के प्रति इतने वफादार हैं कि मृत्यु तक न सिर्फ स्वर्गीय पिता के परंतु संसारिक माता पिता के प्रति भी वफादार हों। प्रभु अपने वचन पर आशीष दे। और उसके बाद फिर से प्रभु ने
चौथी वाणी जो टेक्निकली जब सारी दुनिया के पाप प्रभु यीशु मसीह पर लाद दिए गए तो बाइबल में लिखा है कि वो हमारे लिए पाप बन गया, वो पापी नहीं पाप बन गया। और जैसे ही पाप बना, पिता ने प्रभु यीशु मसीह से अपनी दूरियां बना ली, अपनी दूरियां बना ली। पिता इतने पवित्र कि प्रभु यीशु मसीह जो उनका एकलौता पुत्र उसको भी उन्होंने छोड़ दिया। ये बताता है कि पिता को पाप पसंद नहीं, और जिसने अपने एकलौते बेटे को छोड़ दिया तो हमारा नंबर तो बहुत बाद में है। लेकिन ये लेसन देता है कि हम पिता के सामने पवित्र बने। और ये पाप कैसे आए? हम पुराने नियम में देखते हैं कि जब मूसा के तंबू में पापी व्यक्ति आता, अपने भेड़े बैल या पक्षी लेकर के आता, उसके सिर पर अपने हाथ रखता और उस हाथ रखने के द्वारा अपने पापों को उस बलिदान के ऊपर ट्रांसफर कर देता। ये हाथ रखने के द्वारा अपने पापों को किस पे ट्रांसफर कर रहे हैं? बलिदानों पर। दूसरा जो है देखने के द्वारा भी जो है ट्रांसफर होते हैं पाप। और इसका पहला उदाहरण जब लोग जो है जंगल में पाप करने लगे तो परमेश्वर ने उनके बीच में सांपों को भेजा और सांप डसने लगे और ये लोग भागे कि गलती हो गई। मूसा के पास गए, मूसा भी परमेश्वर के पास गए कि क्या करें। परमेश्वर ने कहा कि एक काम कर, एक पीतल का सांप बनाओ, उसे ऊंचे पर लटका और जो कोई सांप का काटा हुआ उस तेरे बनाए हुए मूरत को देख लेगा वो बचेगा। सिर्फ देखने से जो सांप का जहर है वो उतर जा रहा था और जो जो देखते उसको सांप के काटे हुए वे सब बच गए। और ये उदाहरण प्रभु यीशु मसीह ने यूहन्ना रचित सुसमाचार में इस्तेमाल करा कि जैसे जंगल में मूसा ने ऊंचे पर सांप को उठाया था वैसे मनुष्य का पुत्र भी ऊंचे पर उठाया जाएगा। और वो ऊंचा उठाया जाना कहां? क्रूस पे। और जो कोई पाप से डसा हुआ व्यक्ति, पाप से ग्रसित व्यक्ति जो मृत्यु को प्राप्त हो रहा है वो देखेगा तो अपने पापों को देखने के द्वारा किस पे ट्रांसफर कर देगा? जैसे सांप पे हो रहा था वैसे ही प्रभु यीशु मसीह पे। और ऐसा हुआ तो सारी दुनिया के पाप किस पे ट्रांसफर हो गए? प्रभु यीशु मसीह। इसलिए लिखा है वो हमारे लिए पाप बन गया। और जब पाप बन गया तो पिता ने अपने बेटे स्वयं प्रभु यीशु मसीह से गेप बना ली। तो प्रभु यीशु मसीह चिल्ला उठे। चौथी बार फिर से ऊपर देखा उन्होंने और क्या शब्द कहा? हे मेरे परमेश्वर। पिता नहीं बोला प्रभु ने, क्योंकि गेप हो गई। क्या बोला? ओ माय गॉड, एली लमा सबक्तनी, हे मेरे परमेश्वर तूने मुझे क्यों छोड़ा? अभी तक तू साथ में था, सबने छोड़ दिया था, सब मजबूर थे, लेकिन ये समय तूने मुझे छोड़ दिया, अकेला हो गया। चिल्ला उठे। और ये एलोई एलोई लामा सबक्तनी, और जो है ये
एली एली जो है, ओ मेरे परमेश्वर, ओ मेरे परमेश्वर, पिता नहीं, पिता नहीं। और हिब्रू अरामिक में जो है यही, तो कई लोगों ने जो वहां खड़े थे उन्होंने कहा नहीं वो एलिया को पुकारा, दूसरों ने कहा नहीं नहीं वो परमेश्वर को पुकार, देखो रुको क्या परमेश्वर उसको छुड़ाने आता है कि नहीं, परमेश्वर उसको छुड़ाने आता है कि नहीं। सबक तनी, सबक तनी, तूने मुझे क्यों छोड़ दिया। और जो है उस बगीचे में उसने कहा था ये कटोरा मुझसे दूर हो गया फिर भी मेरी नहीं तेरी इच्छा। और ये वो एलोई एलोई मती रची सुसमाचार और मरकुस में ये वर्ड आया है एली एली लमा सबक्तनी। भजन संहिता 22:1 में भी हिब्रू में एली एली लमा एजो वतनी एलोई एलोई। सो हिब्रू और ग्रीक में ये स्पेलिंग का थोड़ा सा अंतर लेकिन दोनों का मतलब एक ही, हे मेरे परमेश्वर, हे मेरे परमेश्वर, ये था। और जो है एलोई जो शब्द प्रभु यीशु मसीह ने इस्तेमाल करा और कि हे मेरे परमेश्वर, हे मेरे परमेश्वर, और वो शब्द जो है पिता उन्होंने इस्तेमाल नहीं करा, परमेश्वर ये शब्द उन्होंने इस्तेमाल करा। सो एलोहिम एलोहिम हमारे परमेश्वर का नाम एल एलोहिम एल सदाय एल हेन्यू एल केन्यू यहोवा होसना यहोवा जीरे यहोवा निसी यहोवा मिका दिस्केल यहोवा तिस्दुकिनिया यहोवा रोही यहोवा रफाइके यहोवा सलोम यहोवा सम्मा यहोवा सबूता। ये वो एली एली और जो है फिर दूसरा शब्द जो है एलाही एलाही एलोहिम एलोहिम के बाद में जो है वो ये कुप्रियोस कुप्रियोस। और परमेश्वर परमेश्वर और जो है जैसा हमने बताया एलोहिम के अलावा जो है दूसरा जो शब्द है वो है लामा लामा। और करीब हिब्रू के ओल्ड टेस्टामेंट में 145 बार ये शब्द इस्तेमाल हुआ है, 145 बार ये शब्द इस्तेमाल हुआ है लामा लेमेद मेम। और जो है वो ये अरामिक में लेमा लामा और वो जो शब्द है वो तूने मुझे क्यों छोड़ दिया। सबक्तनी सबक्तनी ऐसा लिखा गया और आरामिक ओरिजिन में लीव लीव अलोन इंटरेस्ट बिग्वेट क्यों छोड़ दिया
रिप्यूच फॉरसेक अबंडन करीब 5 बार पुराने नियम में आया है, और कि प्रभु तूने मुझे क्यों छोड़। एक परिवार में मैं एक उसमें मेडिकल लाइन में होने के कारण विज्ञप्ति एक परिवार ने निकाली कि फलाना बच्चा हमारा बच्चा नहीं है, और इसके अपराध और इससे संबंधित जो बातें ये खुद ही जाने, हमारे घर पे नहीं आना, क्योंकि पुलिस उस व्यक्ति के घर पे बार बार आती और वो लड़का भाग जाता जिस तो जो अपराधी प्रवृत्ति का था, और पुलिस उसके पिता को पकड़ के ले जाती, और जब तक वो लड़का सरेंडर नहीं करता वो पिता को तकलीफ देती। सो पिता ने कानूनन ये नोटिस पेपरों में निकलवा दिया कि ये लड़का हमारा बच्चा नहीं, आपसे इसके लेन देन और ये सब समझदार है ये खुद ही जाने। लेकिन देखने में ये आया कि वो लड़का पीछे से आता तो खाना भी वही खाता, रहता भी वही, सोता भी वही, सब चीज करता, और पुलिस वाले आते तो वो पिताजी जो है लिखा हुआ वो पेपर का फाड़ के उसने दरवाजे पे चिपका रखा, वो बोलता मैंने ये विज्ञप्ति निकलवा दी, वो लड़का ही जाने ना, तुम जानो। सो ऐसा कह देने से उसका खून, उस बच्चे का खून बदल गया, उसकी शक्ल बदल गई, उसके अधिकार बदल गए, कुछ नहीं बदला। पिता ने गेप तो बना ली, पाप के कारण गेप तो बना ली, और जो है वो ये कि कुछ भी छूटा नहीं, रिलेशनशिप जो है बेटे और पिता की वो तो है, लेकिन दूरियां बन गई है। प्रभु की सकल, प्रभु का खून, प्रभु की देह पिता ने जो दी वैसी ही है। और संसारिक रीति से यहां पर प्रभु अकेले पड़ गए। अभी तक पिता साथ में थे, कोई नहीं था, पिता साथ में थे, लेकिन अब पिता ने भी गेप बना ली, और प्रभु चिल्ला उठे चौथी वाणी में, फिर से उनकी आंखें जो है ऊपर की ओर, स्वर्ग की ओर, हे मेरे परमेश्वर तूने मुझे क्यों छोड़ दिया। और कष्टों के साथ प्रभु ने जो संसारिक कष्ट थे, शारीरिक कष्ट तो थे, आत्मिक कष्ट भी आ गया, हे मेरे परमेश्वर तूने मुझे क्यों छोड़ दिया, हे मेरे परमेश्वर, एली लमा सबक्तनी, एली लमा सबक्तनी। सो प्रभु के इस पीड़ा को हम जानते हैं, ये पीड़ा किसके कारण आई, ये पीड़ा हमारे कारण है, जब हमारे अपराध प्रभु के ऊपर ट्रांसफर हो गए वो हमारे लिए पाप बन गया, और जब पाप बन गया पिता ने भी उससे दूरी बना ली। प्रभु इसमें से चिल्ला उठे कि हे मेरे परमेश्वर तूने मुझे क्यों छोड़ दिया। अब हमारे हिस्से में ये है कि क्या हम इस बात को स्वीकार करते हैं कि प्रभु मेरे अपराधों को क्षमा कर, मेरे पापों को धो डाल, जो सजा तूने सही है, जो मेरे लिए पाप बन गया है और मेरे लिए मृत्यु सही कि मुझे जीवन दे, मेरे लिए खून बहाया कि मेरे अंदर आपका खून आए, मेरे लिए देह तोड़ी कि मेरे देह में आपकी देह मिले, मुझ में अपना आत्मा दिया, प्रभु मृत्यु तक आपके प्रति वफादार रहने का मुझे सौभाग्य था। प्रभु अपने वचनों पर आशीष दे, और रात भर के प्यासे प्रभु जो है चिल्ला उठे कि
जो है मैं प्यासा। और गत्समने बाग के पहले हम सबको मालूम है कि वो प्रभु भोज की जो स्थापना प्रभु ने की थी, जो फसा का त्योहार था, फसा का त्योहार था, और प्रभु ने अपनी देह दी। रात से वे शुरू हो गए थे और रात भर प्रभु को मारते रहे, मारते रहे। सुबह से जो है इतना मारा कि करीब 5 बोतल के बराबर प्रभु का लहू बह गया, उसके फेफड़ों में घाव पहुंच गए। और प्रभु सुबह जो है, जैसा मैंने बताया कि 5 से 7 के बीच में उनको पिलातुस के सामने ले जाया गया, और पिलातुस ने फिर उनको हेरोदेस के पास भेजा, हेरोदेस ने फिर से उनको लौटा दिया। इस चीज में करीब जो है आधा से पौन घंटा लग गया, और फिर प्रभु को उन्होंने कोड़े के लिए सौंप दिया। फिर आधा पौन घंटा लगा, और फिर उसके बाद क्रूस पर। तो क्रूस का वो रास्ता आधा पौन घंटा, फिर करीब 9 बजे वो गुलगत्था पर पहुंच गए, और वहां पर उनको किले ठोक दिए। 9 बजे सुबह 9 बजे से प्रभु जो है क्रूस पे लटके रहे, और ये कहने वाले कि मैं तुम्हें जीवन का जल दूंगा। उस स्त्री को, सामरी स्त्री को उन्होंने यही कहा। प्रकाशित वाक्य में बाइबल का अंत इस बात से हो रहा है, मैं मेरे पास आओ और मैं बहता हुआ वो झरना हूं, जो मुझे पिएगा वो कभी प्यासा ना होगा, और जो मुझे पिएगा उसके जीवन से जीवन जल की धाराएं फूटे निकलेंगे। वो प्रभु आज क्रूस पे क्या बोल रहा है, मैं प्यासा। और प्रभु की ये जो प्यास है, संसारिक रीति से तो है, जो हिस्सा मैंने आपको बताया कि पूरी रात हो गई है, शारीरिक रीति से इतना पानी, इतना लहू निकल गया है। और प्रभु ये बताना चाहते, वो ये बताना चाहते कि वो प्यासे हैं, शारीरिक रीति से और आत्मिक रीति से भी। और हर वो आत्मा जो प्रभु यीशु मसीह को स्वीकार करती है, प्रभु कहते हैं कि उसके जीवन से बहते जल की धाराएं निकल रही। और प्रभु की 5वीं वाणी कि मैं प्यासा हूं, और ये हमें बताती है कि प्रभु उन सब आत्माओं का यशाया 53 में लिखा है, उसने हमारे जीवन के लिए मृत्यु सह ली, हमारे पापों को उठा लिया, हमारे लिए विनती करता है, और ये कि हमें प्रभु के पास पहुंचा दे। और प्रभु इस बात में आत्मिक रीति से बताते हैं कि वो प्यासे हैं इस दुनिया के लोगों के लिए भी, कि यदि वे प्रभु को ग्रहण करेंगे, प्रभु उससे जो है इतने प्रसन्नचित्त। इसीलिए प्रकाशित वाक्य के उस 22वें अध्याय में प्रभु ने जो बाइबल का अंतिम अध्याय है, यही कहा कि जो कोई मेरे पास आएगा वो जो है उसके जीवन से
जल की धाराएं। 70वीं आयत यदि आप देखें, प्रकाशित वाक्य का 22वां अध्याय 70वीं आयत, और आत्मा और दुल्हन दोनों कहती है कि आ, सुनने वाला भी कहे कि आ, और जो प्यासा हो वह आए, और जो कोई चाहे वह जीवन का जल सेत में पिए, सेत में पिए, फ्री में ले, इसके लिए कोई कॉस्ट नहीं है। और वो बहता हुआ जल कोई और नहीं, वो हमारा प्रभु यीशु मसीह, जो प्यासा है आपके जीवन के लिए, और जो है प्रभु को जो है उन स्त्रियों ने वो प्याला देना भी चाहा। रोमी जो है सिपाहियों ने वो हटा दिया। प्रभु कह पड़े, मैं प्यासा, और सैनिकों ने उन्हें पित्त मिला हुआ, पित्त मतलब गाल ब्लेडर का जो है इतना कड़वा, इतना कड़वा, और वो कड़वापन इसलिए कि ये जो संसारिक तकलीफें हैं, ये कीलों की तकलीफें, कोड़ों की तकलीफें, ये कम हो जाए। एक ने कहा नहीं नहीं नहीं, देखो देखो परमेश्वर उसे बचाने आता है कि नहीं। एक और ने कहा, प्रभु ने चखा, इतना कड़वा, इतना कड़वा, उसने पीना नहीं चाहा। कभी गलती से किसी मुर्गी के या पक्षी के पित्त को जो टूट जाता है, तो आपको कभी उसका स्वाद लगा हो ऐसे मटन का, ऐसे मीट का जिसमें पित्त फूट के लग गया हो, कैसा लगता है? इतना कड़वा, इतना कड़वा। और प्रभु को ये पित्त मिला हुआ दाखरस दिया था कि उसकी पीड़ा कम। एक ने कहा नहीं, रुको रुको। कई लोग आज बोलते हैं कि हम प्रभु को पानी पिलाते, हम प्रभु के लिए ऐसा करते, हम प्रभु के लिए ऐसा करते। सो स्कॉलर्स यही बोलते हैं, कोई बात नहीं, अब करें। आप 2000 साल पहले नहीं है, आप इस समय हैं, तो इस समय प्रभु की प्यास को बुझाएं। प्रभु की प्यास को आप कैसे बुझाएंगे, आप कैसे बुझाएंगे? और प्रभु कहते हैं कि मैं प्यासा हूं, मैं प्यासा हूं। और ये प्यास संसारिक और आत्मिक दोनों रीति से, शारीरिक रीति से, आप कैसे प्रभु के इस प्यास को बुझाएंगे? प्रभु ने कहा था, मैं जीवन की रोटी हूं, जो मेरे पास आएगा वो कभी भूखा ना होगा, और जो मुझ पर विश्वास करता है वो कभी भी प्यासा न होगा। लेकिन आज वो खुद प्यासा है, और प्रभु क्या बताना चाहता है कि हे मेरे दोस्तों, हे मेरे भाइयों, मेरे पास, और बहुत सारी आत्माओं को जीतने का काम। प्रभु अपने वचन पर आशीष दे। और छठी वाणी जो है, प्रभु ने ये सब देख करके, अब सब कुछ पूरा हो चुका है, सब कुछ। और वो गतसमने बाग में उन्होंने क्या कहा था, हे पिता, यदि ये कटोरा मुझसे हट सकता है तो हटा ले। अचानक फिर प्रभु ने बोला, नहीं नहीं, हे पिता, तेरी इच्छा पूरी, तेरी इच्छा पूरी हो। और देखें, प्रभु के जीवन में पिता की इच्छा ये। तब प्रभु यीशु मसीह ने कहा, जो ग्रीक शब्द था टेटेलीस्टाई, टेटेलीस्टाई, इट इज फिनिश्ड। ये यूहन्ना रचित सुसमाचार 19वां अध्याय 28 और 30 आयत में सिर्फ दो जगह ये शब्द आया है नए नियम में। और जो है ये सिर्फ दो शब्द प्रभु ने, दो
अक्षर वापरे, एक अक्षर ये था मैं प्यासा, और दूसरा शब्द जो है उन्होंने कहा टेटेलिस्टाई, पूरा हुआ, इट इज फिनिश्ड। और जो है नए नियम में जो है इस शब्द को इस्तेमाल किया जाता था जो है टैक्स वालों के रूप में कि हाँ टैक्स इसने पूरा भर दिया है, पूरा भर दिया है, और जो है प्रभु ने ये शब्द इस्तेमाल किया कि जो टैक्स हमारा था, हमारा जो पाप था, उसका पूरा परिणाम, पूरा परिणाम जो है भर दिया गया। और जो है टिलॉस, ग्रीक शब्द जो है टिलॉस जो है, पहला शब्द जो था वो था कंप्लीट, टिलियो, फिर टिली आयो, आई एम थर्स्टी, और फिर था टिलियो, जो ये तीन शब्द थे उसका प्राइमरी जो मीनिंग था वो ये था कंप्लीटेड, फिनिश्ड, एकम्प्लीज्ड, एकम्प्लीज्ड। और जो कार्य पृथ्वी बनने के पहले पिता पुत्र और पवित्र आत्मा ने डिसाइड किया था वो पूरा हो गया, वो पूरा हो गया। और ये कार्य प्रभु यीशु मसीह ने उस सलीब के ऊपर पूरा किया, पूरा किया। और ये कि जो पाप की सजा थी मौत, उस मौत का खुल्लम खुल्ला तमाशा बना दिया, खुल्लम खुल्लम तमाशा बना दिया। सो ये कि जो बिल था पाप का मृत्यु के रूप में वो पेड कर दिया गया, वो पेड कर दिया गया। और ये पेड किसने करा? स्वयं प्रभु यीशु मसीह, स्वयं परमेश्वर ने, जो असीमित परमेश्वर था उसने अपने आप को सीमित किया और यहां तक आया, क्रीब टू क्रॉस। वो जो है उस गौशाले में उस चरनी से जो आरंभ हुआ उस क्रूस तक ऐसे आया और उसने कहा कि सब कुछ जो आदम के कारण बिगड़ गया था वो पूरा किया। शैतान और उसके दूतों ने जो परमेश्वर का विरोध कर दिया था वो कार्य उसने एबोलिश कर दिया, और अपनी मृत्यु के द्वारा, अपनी मृत्यु के द्वारा जो है प्रभु ने ये कार्य, और प्रभु ने उस यूहन्ना और याकूब को जब उनकी माता उनके पास आई तो कहा कि जो प्याला में पीने पर हूं क्या पियोगे, और जो बपतिस्मा में लेने पर हूं क्या लोगे। उन्होंने कहा हाँ हम वो बपतिस्मा भी लेंगे और वो प्याला भी पियेंगे। प्रभु ने कहा समय आएगा कि तुम वो प्याला पियोगे और वो बपतिस्मा भी ले लो, लेकिन अपने दाएं बाएं बैठाना ये मेरा काम नहीं, ये परमेश्वर पिता का। आएगा समय। सो प्रभु यीशु मसीह ने, प्रभु यीशु मसीह ने ये कार्य पूरा किया, इट इज फिनिश, इट इज फिनिश, पूरा हो गया, पूरा हो गया। कुछ भी हिस्सा बाकी नहीं, प्रभु की मौत से हमें जीवन मिला। और यदि इसके बावजूद यदि हम जीवन नहीं पाते तो इससे अफसोस वाली घटना कुछ और है।
उछाड़ देगी। इट इज फिनिश, जो शब्द प्रभु ने इस्तेमाल करा, टेटी लेस टाई, इट इज फिनिश। हे पृथ्वी के लोग, और क्या करना बाकी रह गया जो मैंने तुम्हारे लिए नहीं किया, और क्या करना बाकी रह गया। सब चीज स्वर्ग से लगा करके पृथ्वी तक जो हर संभव कोशिश थी वो मैंने पूरी कर दी। अब जीवन मिलना चाहिए। इट इज फिनिश्ड। और जो है, कई लोगों ने अपने आप को प्रभु को समर्पित किया कि प्रभु आपका जीवन हम में आए और हम में आपकी मृत्यु से जीवन पाए। प्रभु ने कहा इट इज फिनिश, जो सजा तुम्हें मिलनी थी वो मैंने उठा ली है ताकि तुम्हें जीवन मिले। सो दोस्तों, ये वो प्रभु है जिसने हमारे लिए सब कुछ, जो व्यवस्था के अनुसार, पिता के अनुसार, सब के अनुसार वो पूरा कर दिया। और प्रभु चाहता है कि हमें जीवन मिले। और यदि ये जीवन हम पाते हैं तो हमसे सौभाग्यशाली कोई और नहीं, लेकिन यदि ये जीवन हम नहीं पा पाते हैं तो हमसे अभागा भी कोई नहीं, ये हमसे अभागा कोई नहीं। प्रभु ने कहा इट इज डन, इट इज फिनिश, टेटिलिस्टाय, इट इज फिनिश। प्रभु ने वो सजा हमारी सहली और क्रूस पर अपना बलिदान देकर वो हमें जीवन देने के लिए आ गया। और प्रभु चाहता है कि हम में जीवन आए। सो दोस्तों, प्रभु को अपना उद्धारकर्ता ग्रहण करें अपनी मृत्यु के पहले। इससे बड़ा मिशन कुछ नहीं, इससे बड़ी प्यास कुछ नहीं। और प्रभु चाहता है कि वो जीवन अपना है। प्रभु अपने वचनों पर आशीष दे। सो प्रभु ने जब पृथ्वी पे थे कहा कि कोई भी मुझसे मेरा आत्मा नहीं ले सकता जब तक मैं उसे पिता को न दूं, और प्रभु ने यही करा। अंतिम शब्द प्रभु ने अपने जीवन को पिता को यह कहकर समर्पित किया कि हे पिता, मैं अपनी आत्मा तेरे हाथ में समर्पित करता हूं। हे पिता, देखें उस चौथी आयत में उन्होंने क्या कहा था, लमा सबक में, हे मेरे परमेश्वर, हे मेरे परमेश्वर। और सातवीं आयत में फिर से क्या शब्द इस्तेमाल करा, पिता। फिर से पिता की संगति आ गई। और प्रभु ने यही शब्द इस्तेमाल करा, हे पिता, मैं अपनी आत्मा आपके हाथ में समर्पित करता हूं। भजन संहिता 31:5 में भी जो है वो ये प्रभु ने ऊंचे शब्द से कहा कि मेरी आत्मा मैं आपके हाथ में सौंपता हूं। चौथा शब्द जो हमने देखा, एली लमा सबकनी के बाद में जो है वो गैप हो गई थी, और उस गैप में प्रभु ने कहा मैं प्यासा, फिर कहा कि पूरा हुआ, और फिर सातवीं आयत में कहा हे पिता, फिर से आ गए, फिर से ज्वाइन कर लिए। और
प्रभु यीशु मसीह ने पिता को कहा कि हे पिता, 31:5 में भजन संहिता में कहा कि प्रभु मैं समर्पित करता हूं, मैं समर्पित करता हूं, मेरी आत्मा आपको समर्पित करता हूं। और जो है ये सरेंडर का शब्द 33 साल पहले जो है शब्द आया था, निमा न्यूमा, ब्रीदिंग, ब्रेथ ऑफ लाइफ, परमेश्वर की आत्मा का शब्द। और फिर प्रभु यीशु मसीह ने कहा कि मैं अपनी आत्मा, वही शब्द न्यूमा का शब्द प्रभु ने इस्तेमाल करा कि मैं वो आत्मा जो मुझ में है वो आपके हाथ में, न्यूमा न्यूमा जो है मैं समर्पित करता हूं। और सबोपदेशक की पुस्तक में सुलेमान कहता है कि मृत्यु होने के बाद में शरीर मिट्टी में मिल जाता है, लेकिन आत्मा परमेश्वर के पास, जिसने उसे बनाया है, जिसने उसे दिया है, उसके पास लौट जाए। और जब ऐसा हुआ तो स्वयं पिता ने जो महापवित्र स्थान और पवित्र स्थान के बीच का जो पर्दा था वो ऊपर से फाड़ दिया, ये बताने के लिए कि अब सारे मनुष्यों की पहुंच पिता के पास हो गई है प्रभु यीशु मसीह के द्वारा। सारे लोग, सारी दुनिया के लोग पिता से अब मिल सकते हैं प्रभु यीशु मसीह के द्वारा। और प्रभु यीशु मसीह ने कहा कि प्रभु मैं अपनी आत्मा आपके हाथ सुपुर्द करता हूं। और सारा स्वर्ग भिंडोल हो गया, पृथ्वी तड़क गई जो है। और पिता के हाथ में प्रभु यीशु मसीह ने कहा कि मैं अपनी आत्मा जो आपने दी थी, आत्मा के लिए जो शब्द इस्तेमाल हुआ, जो हमने देखा न्यूमा न्यूमा, और वही शब्द आदम में भी, वही शब्द विश्वासियों में, कलीसिया में भी इस्तेमाल, मैं अपनी आत्मा आपके हाथ में सुपुर्द करता हूं। और यह कहकर प्राण त्यागे, यह कहकर के प्राण त्यागे कि प्रभु मैं अपनी आत्मा को आपके हाथ में सुपुर्द करता हूं, इसे ग्रहण करें, इसे ग्रहण करें। और देखें ये प्रभु ने, पिता ने ग्रहण करा। और किस रीति से ये बता दिया, टेक्निकली वो पर्दे को फाड़ के, भूकंप को ला करके, सब तरफ कि मेरे बेटे ने पृथ्वी पर अपना कार्य पूरा कर दिया, मैं उसकी आत्मा को ग्रहण कर, मैं उसकी आत्मा को ग्रहण करता हूं। और प्रभु ने अपने इस बेटे की आत्मा को ग्रहण किया। और प्रभु इस मसीह के कारण हमारी पहुंच पिता तक हो पाई। आज भी प्रभु हमारे लिए निवेदन करते रहते हैं, पिता के दाहिने हाथ बैठे हैं, विराजमान हैं। और शैतान जो हम पर दोष लगाता रहता है कि वो जन पापी, वो मेरा है, तो प्रभु कहते हैं हाँ वो पापी है, लेकिन उसके पाप की दशा, उसका पाप का परिणाम मैंने क्रूस पे सहा है, इसलिए पिता उसके पाप क्षमा कर, जो सजा मिलनी थी वो मैंने पेड़ करी है। मैं अपनी आत्मा पिता के हाथ में समर्पित करता हूं।
सो दोस्तों, ये है हमारा प्रभु। मुझे आशा है कि आप इन शब्दों से प्रभु के जो है आशीषित हुए होंगे और दुआ में अपने सरों को झुकाएं कि प्रभु हमारे जीवन में आए और हम अनंत जीवन पा सकें। आए दुआ में अपने सरों को झुकाएं। प्रभु जी धन्यवाद देते हैं आपके इन बहुमूल्य वचनों के लिए प्रभु, जो बड़े कष्टों के साथ आपने उच्चारे और आज भी इस वायुमंडल में जिंदा है। और प्रभु वो आशीष जो है लोगों को अनंत जीवन के रूप में मिलने पाए, अपना शरीर, अपना प्राण, अपनी आत्मा प्रभु आपको समर्पित कर दे, हमारे अंदर आए और प्रभु हमें नया जीवन दे। क्योंकि सारा आदर और महिमा और इज्जत आपको देते हुए इस विनती को प्रभु यीशु मसीह के नाम से मांग लेते हैं। आमीन। और फिर May the Lord bless you and protect you. May the Lord smile on you and be gracious to you. May the Lord show you His favor and give you His peace.